हरे कृष्ण। मातेव सर्वबालानां औषधं रोगिनां इव रक्षार्थं सर्वलोकानां निमित्तय एकादशी तिथिः। हरि भक्ति विलास के 12 अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। ये एकादशी तिथि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मनोवांछित फल तो प्रदान करती ही है, अपितु उन सबसे ऊपर और सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति भी प्रदान करती है। हमारे प्रत्येक शास्त्रों में एकादशी व्रत के समान ना तो कोई अन्य व्रत की तुलना की गई है और ना ही महात्म्य गाया गया है। एकादशी व्रत तपस्या के लिए बना है, अपनी चेतना को कृष्णमय बनाने के लिए बना है, स्वयं की सही पहचान ढूंढने के लिए बना है और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जागृत होने के लिए बना है। और ऐसे ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में फिर एक बार हमारे द्वार पर पहुंच रही है। और इस बार की एकादशी तो अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय ऐसे पुरुषोत्तम मास में आने वाली दुर्लभ एकादशी तिथि है, जो कि हर 3 वर्ष बाद आती है। इसलिए इस दिन किया गया जप, तप, दान और हरि स्मरण आपको कितना पुण्य फल प्रदान कर सकता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस बार अधिक मास की दूसरी एकादशी कौन सी है और कब आ रही है ये देखते हैं। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को परमा एकादशी कहते हैं। इस वर्ष ये एकादशी तिथि आ रही है 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:11 और सूर्योदय का समय है 5:51। इस बार भी एकादशी तिथि संपूर्ण रहेगी, इसलिए उसका पालन करना हम प्रारंभ करेंगे सूर्योदय के साथ। अगले दिन यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण करने का समय है 5:51 से लेकर 8:22 के बीच में। तो याद रहे, इसी समय के बीच में आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। अधिक मास में आने वाले इस परमा एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्न का त्याग करके उपवास करना चाहिए और अपने शरीर, मन और समय को अधिक से अधिक मात्रा में भगवान की सेवा में, उनके पवित्र नामों का जप करने में और उनके स्मरण में संलग्न करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन पारण के समय पर अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भगवान को अर्पित अन्न युक्त भोजन प्रसाद के साथ व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पूर्व इस व्रत का फल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए उनसे उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति की याचना करनी चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में मांगे हुए सारे वर, धन, संतान, संपत्ति और सुख यहीं छूट जाएंगे। मृत्यु के बाद भी जो आपके साथ रहेगी वो है भगवान के प्रति आपकी भक्ति। इसलिए भगवान से उसी के लिए याचना करते हुए इस परमा एकादशी व्रत का पालन और पारण दोनों करना चाहिए। परमा एकादशी की व्रत कथा हम आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आएंगे, इसलिए अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करूं या ना करूं, तो शायद आप इस पौराणिक कथा को मिस कर देंगे, ऐसा हमें लगता है। इसलिए अधिक सोचे बिना आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए वैदिक मूल्यों और शास्त्रों से प्रमाणभूत सुंदर कथाएं नियमित रूप से लेकर आ रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको सहायता मिली है तो इसे लाइक कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए अधिक मास में आने वाली इस परम पवित्र परमा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।